बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटर, कटे हुए टमाटर, कटे हुए आलू, खीरा, प्याज, लहसुन, करी पत्ता। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी को थोड़ा गर्म करेंगे और उसमें सारी वेजिटेबल डाल देंगे, प्याज और लहसुन को छोड़कर। थोड़े से करी पत्ता भी डाल देंगे इसमें। को अच्छी तरह से मैं उबलने दूंगी। जब तक ये उबल जाते हैं, मैं वेजिटेबल सारी उबल रही हैं, जब तक मैं ये इमली मैंने गलाई हुई थी, इनसे 1 से 2 घंटा हो गया है। अब मैं इन इमली को अच्छी तरह से मसल लूँगी और इनका जो पानी है मैं निकाल लूँगी। इमली का पानी है इस तरीके से, इमली का पानी निकल आया और इसको मैं अलग से रख दूंगी। अब इसमें डाल देंगे नमक। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा गरम करूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे कि इसमें छौंक लग जाए, उतना ही। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी मैं राई, चना दाल, करी पत्ता, थोड़े से मेथी दाना और हरी मिर्च, लहसुन, प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, हल्दी को डालकर थोड़ा सा हम चलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर इनको भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट तक ही भूनना है। बस मैंने इनको 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालूंगी जो इमली का पानी निकाला था मैंने, अब इसमें ये वाला पानी डाल दूंगी इमली वाला। जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से उबल गई हैं। अब इन सब्जियों को भी मैं उसी में डाल दूंगी। इनको 1 से 2 मिनट तक इसी में उबलने देंगे धीमी आंच पर। ये रसम बनकर तैयार हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।